हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गायत्री ब्यूटी पार्लर। आज की वीडियो हम लोग करेंगे वैक्स, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पार्लर में हम जब वर्क करते हैं तो बरसात के मौसम में जब हम लोग वैक्स करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी का सलूशन करेंगे और उन बातों का ध्यान रखेंगे कि जिससे कि हमें इस प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। तो यहाँ पर जो मैंने वैक्स यूज की है वो की है हनी बी की वैक्स है, काफ़ी अच्छी वैक्स है क्योंकि मैं पार्लर में यूज़ करती हूँ, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है, तो आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। और जब हम वैक्स स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले टैल्कम पाउडर ज़रूर लगाएंगे अपनी स्किन पर, क्योंकि बरसात के मौसम में मॉइस्चर काफ़ी होता है तो हमें अपनी स्किन को बिल्कुल ड्राई कर रखना होता है। उसके बाद ही हम लोग वैक्स अप्लाई करेंगे, अगर डायरेक्ट कर लेंगे तो ठीक से नहीं हो पाता है, तो टैल्कम पाउडर ज़रूरी होता है लगाना। उसके बाद हम जो भी वैक्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं ध्यान रखेंगे कि उसके बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे उसको, तो वैक्स हीटर में कर रहे हो या फिर हम कोई दूसरे तरीके से हम लोग उसे गर्म कर रहे हैं, बट ध्यान रखेंगे कि जब हम गर्म करेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, सिर्फ उसे इतना गर्म करना होता है ताकि हमारी स्किन पर अच्छे से अप्लाई हो सके, बहुत ज़्यादा पतली ना हो, नहीं तो हमारे बाल नहीं निकलेंगे और जो वैक्स है वो हमारी पट्टी से भी बाहर आ जाती है, चिपचिपाहट हो जाती है और बाल हमारे नहीं निकल पाते। तो हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है वैक्स करने के करते टाइम, उससे हमारी वैक्स बहुत अच्छे से हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप लोग देख सकते हैं मैं वैक्स कर रही हूँ, काफ़ी अच्छी वैक्स हो रही है, सारे बाल आराम से निकल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और मैंने यहाँ पर कोई फ़ैन वगैरह, सिर्फ सिंपल फ़ैन चलाया है, कोई एसी वगैरह नहीं चलाया हुआ है। तो नॉर्मली सबसे पहले हमारी जो वैक्स है वो अच्छी होनी चाहिए और हमें बालों की डायरेक्शन का भी ध्यान रखना होता है। जब हम वैक्स करते हैं तो हमें अपने जो बालों की ग्रोथ होती है उसके डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए ही वैक्स अप्लाई करनी होती है। जिस डायरेक्शन में हमारे बाल होंगे उसी डायरेक्शन में हम लोग अपनी वैक्स अप्लाई करेंगे और उसी डायरेक्शन में हम लोग पट्टी अच्छे से चिपका कर उसे अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग ऊपर की तरफ खींच लेंगे। तो सही तरीके से हम लोग जब वैक्स करते हैं तो हमारी वैक्स भी अच्छी होती है और हमें रिजल्ट्स भी अच्छे ही मिलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पूरे हैंड की, इस तरीके का आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी ग्रोथ है बालों की और एक ही पट्टी में हमारे लोग हमारे जो बाल हैं वो अच्छे से क्लीन होते जा रहे हैं। और वैक्स करने से क्या होता है, हमारी डेड स्किन भी रिमूव हो जाती है और हमारे बाल भी क्लीन होते हैं, तो हमारी स्किन जो है एकदम सॉफ्ट और एकदम क्लीन दिखती है और अच्छे लगते हैं। इस तरीके से हम लोग वैक्स करते जाएंगे, पूरे हैंड को इसी तरीके से कवर करेंगे हम लोग, सेम इसी प्रोसीजर से दूसरा हाथ भी क्लीन कर लेंगे। तो हमें पट्टियों का भी ध्यान रखना होता है, जब हम पट्टी यूज़ करते हैं, जो भी हम लोग पट्टी यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारी जो वैक्स होती है वो बाहर निकल जाती है पतली होने की वजह से, गर्म होने की वजह से। तो पट्टी हमारी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, तभी हम लोगों की वैक्स भी अच्छी होगी। और अच्छे से प्रेस करके हम लोग उसे चिपकाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने बस ऐसे पट्टी रखी और एकदम से खींच दिया, अच्छे से पहले उसे चिपकाएंगे, प्रेस करेंगे, उसके बाद ही हम लोग उसे खींचेंगे। और खींचने का तरीका भी एकदम से झटके से खींचना होता है, नहीं तो हमारी स्किन पर बाल, अगर हमारी डायरेक्शन गलत होती है तो बाल हमारे ठीक से नहीं निकल पाएंगे और प्रॉब्लम होगी, दाने भी निकल जाते हैं कई बार। तो बहुत ज़्यादा गर्म वैक्स नहीं लगानी, नॉर्मल टेम्परेचर की वैक्स लगाएंगे और अच्छे से क्लीन करते जाएंगे। जब हमारी वैक्स कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हम लोग पूरे स्किन पर हम लोग अच्छे से लोशन वगैरह अप्लाई कर देंगे, जो बॉडी लोशन होते हैं या फिर एस्ट्रोजेंट लोशन हम लोग लगा सकते हैं, कोई भी मसाज क्रीम हम लोग हाथों पर लगा सकते हैं, तो मसाज कर लेंगे अच्छे से। कई बार क्या होता है किसी की स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम लोग मसाज कर सकते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं होती, दाने निकल जाते हैं कई बार बट वो थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग दूसरे हाथ की वैक्स भी करेंगे, दोनों क्लीन हो जाएंगे, इस तरीके से करते चले जाएंगे फटाफट पट्टियाँ खींचते हुए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। और आप लोग बताइए कि मेरा वैक्स का वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से वीडियो बना दूँ आपके लिए। और हम अपनी फिंगर्स को भी कंप्लीट करेंगे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने बस ऊपर से हाथ क्लीन कर लिए और हमारी फिंगर्स पर बाल होते हैं कई बार, और डेड स्किन भी होती है तो वो भी रिमूव होनी चाहिए, ताकि हमारा पूरा हैंड एकदम एक जैसा दिखाई दे, ताकि हमारा पूरा हैंड एक जैसा दिखाई दे, एकदम क्लीन और सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पानी से इस तरीके से साफ कर देंगे और कोई भी लोशन वगैरह अप्लाई कर देंगे पूरे स्किन पर, अच्छे से मसाज करेंगे
ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, देखिएगा कितना अच्छा क्लीन हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। आप लोग इस तरीके से बरसात के मौसम में या किसी भी मौसम में आप लोग इस तरीके से ऐसे ट्राई कर सकते हैं, बेस्ट वैक्स है। तो थैंक यू सो मच।